जस्ट मैंने चैनल इसलिए ओपन किया कि मन की बात, मोदी जब उसकी मन की बात करते हैं देश के लिए, तो मैं आईटी में रह के भी अपनी मन की बात क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। हे गाइस, स्वागत है आपका द क्रेजी इंजीनियर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी सैलरी को 100% मतलब हम जॉब स्विच करके 100% हाइक कैसे ले। दूसरी बात ये भी मैं करूंगा कि मतलब मैंने बहुत सारे मतलब फ्रेंड है मेरे, उसके साथ डिस्कस किया जो बड़ी कंपनी में है, और अपने कलीग से भी मतलब डिस्कस किया कि मतलब अभी मेरे पास दो ऑफर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इंफोसिस और TCS, तो मैंने क्यों वहां ज्वाइन नहीं किया। तो सारी बात इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, जिससे आपको भी कुछ पता चले आईटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। So, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो आपको 100% हैक चाहिए, तो पहला पॉइंट यही इम्पोर्टेंट है कि आपको इंग्लिश तो आना चाहिए। मतलब आप इंटरव्यू में ढंग का इंग्लिश नहीं बोल पाओगे और आप बोलोगे कि भाई मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज हिंदी में इंटरव्यू ले सकते हो। मतलब छोटी कंपनी में ऐसा चलता है कि हाँ भाई हिंदी में भी हमें कोई एतराज नहीं है, हम हिंदी में इंटरव्यू ले लेंगे, बट ऐसा फिर देख लेंगी सैलरी के टाइम पे, वो सैलरी उस हिसाब से देंगी ना, क्योंकि आप क्लाइंट से तो कम्युनिकेशन कर नहीं सकते, तो आप जस्ट कोड कर सकते हो। तो मतलब इस इंग्लिश कम्युनिकेशन से भी 2-3 LPA का गैप रहता है, जो मतलब एक नॉर्मल बंदा जो मतलब हिंदी उसे आती है, इंग्लिश ठीक से आती नहीं है, और जिसे इंग्लिश आती है तो उसमें मतलब 2-3 LPA का सैलरी डिफरेंस देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से मैंने जो देखा अभी मार्केट में उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप पहले तो इंग्लिश सीख ले, मतलब अभी से स्टार्ट कर दे, बाद में ऐसा होता है कल करेंगे, इंटरव्यू ऐसे चले जाएंगे, बाद में कुछ होने वाला नहीं है भाई। तो अभी से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में फोकस करना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जाए क्लाइंट के साथ, आप उसकी मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं समझोगे तो भाई क्या तुम डेवलप करोगे, क्या करोगे। तो ये बात का फोकस करना है आपको पहले। अब बात है दूसरी, आप कंपनी स्विच करके हाइक कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें अच्छा खासा है, क्योंकि अभी तक मैंने इस साल में मैंने 50 इंटरव्यू कंप्लीट कर दिए है। बहुत सारे इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हुआ हूँ और अच्छी खासी ऑफर भी अभी पड़ी हुई है। तो इंटरव्यू से आपको एक बात सीखने को मिलती है, सबसे पहले तो मतलब आप कहाँ पे वीक हो तो उस चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इंटरव्यू देना ही चाहिए, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि साल में एक दो इंटरव्यू ना हो तो आईटी वालों की जिनकी बेकार है, तो एक दो इंटरव्यू तो देना ही चाहिए। और आगे बात करें तो ऐसा करना चाहिए, मतलब आप कंपनी स्विच करना चाहते हो तो ये प्लानिंग 2 महीने पहले करना चाहिए कि भाई अब मुझे कंपनी स्विच करनी है। अभी करंट कंपनी में रेजिग्नेशन नहीं डाल देना है कि भाई चलो मैं ढूंढ लूंगा, जल्दी कभी नहीं करनी है। पहले इंटरव्यू स्टार्ट करो, देखो कि क्या हाल है आपका, क्या मतलब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो तो बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, पहले मिनिमम 2-3 ऑफर लेटर मतलब आपके पास आ जाए, बाद में रेजिग्नेशन डाल सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपके पास पहला ऑफर आया तो उससे ज्यादा आप दूसरी कंपनी के पास जाके मांग सकते हो कि मेरे पास पहला ऑफर समथिंग 5 LPA है तो मुझे अभी एक्सपेक्टेशन 6 LPA है। तो ऐसे आप मतलब दूसरी से तीसरी ऐसे ऐसे करके थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो अपनी हाइक को। तो मैंने 100% तक खींच लिया है इनको, मतलब मेरा 3.9 के समथिंग था, तो मैंने इतने इंटरव्यू दे दिए, तो मतलब दूसरी का ऑफर लेटर तीसरी का चौथी को ऐसे कर सकते हो। और आप करंट कंपनी बहुत अच्छी है, आप छोड़ना नहीं चाहते हो, तो उसका भी एक इलाज है, आपके पास अच्छे खासे ऑफर है और आपको लगता है कि आपकी कंपनी को आपकी जरूरत है, तो आप उसे बोल सकते हो कि मेरे पास ऐसी ऑफर है जो आप ऐसा मतलब कॉम्पिटिटिव जो आप ऑफर बना देंगे तो मैं यहाँ ही रहना चाहता हूँ। बट अभी क्या हो रहा है,
आपकी सैलरी मतलब इतनी कम है और मुझे ज्यादा मिल रहा है, डिस्कस कर सकते हो। बट एक बात का ख्याल रखना, आपको अंदर से पहले श्योर होने चाहिए कि आपकी कंपनी को आपकी जरूरत है और आपको वो 100% हाइक दे सकती है, वरना क्या होगा, खाम खा पोपट हो जाएगा भाई। वो बोलेंगे कि हम इतना नहीं दे सकते हैं, आप जा सकते हो अपना बिस्तर बोटला लेके तो आपका पेकअप हो जाएगा अच्छी तरह से। तो ऐसा नहीं करना है, तो इस पॉइंट का भी आपको अच्छे से ख्याल रखना है। तो यही थे पॉइंट। अब लास्ट वाले है कि मेरे पास अभी TCS और इंफोसिस दोनों के ऑफर लेटर पड़े हैं, बट मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने मेरे कलीग से भी बात की और TCS और इंफोसिस में मेरे फ्रेंड भी है, सो उससे भी बात की, तो मुझे एक पॉइंट जानने को मिला। तो मैं वो आपको भी बताऊंगा कि अपना करियर का स्टार्ट है ना, वो बड़ी कंपनी में नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का एक रीजन है, मैं बताऊंगा बाद में। आप भी अग्री हो जाओगे भाई अपन अब TCS में नहीं जाएगा अभी तो। तो चलो बता देता हूँ कि क्या बात हुई। तो मतलब स्टार्टिंग में आप जाओगे तो वो आपको 3.5 LPA या 4 LPA समथिंग पे के देगा, बट TCS ने एक रूल निकाला है कि आप एक बार वहां पे ज्वाइन कर लिया, बाद में रेजिग्नेशन दे दिया, तो दूसरी बार आपकी वहां पे मुंह दिखाई नहीं होती है भाई, तो आप दूसरी बार वहां जा नहीं सकते हो। तो यही पॉइंट है। तो मतलब आपने स्टार्टिंग में चले गए तो आपको 4 LPA देते थे, तो उसमें आपको दर ईयर 10% हाइक मिलेगा, तो 30,000 आपकी पर मंथ सैलरी होगी, तो उसमें आपको हाइक मिलेगा 3,000 समथिंग। तो पहले 30,000 बाद में उसमें मतलब ऐड हो गए 3,000 ऐसे आप 40,000 तक पहुंचोगे तो 5 ईयर निकल जाएंगे। तो इतना आप हमारे पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि अभी दूसरे लोगों की सैलरी देख के हम भी चाहेंगे कि भाई हमारा सैलरी ग्रो भी फटाफट हो। तो आपको दूसरी कंपनी ऑफर भी अच्छा देगी, तो आप TCS को छोड़ के भाग जाओगे कि भाई चलो अब यहाँ से निकलते हैं और दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो आप दूसरी कंपनी में चले गए, वो स्टार्टअप होगा या कुछ छोटी मोटी कंपनी होगी, तो क्या होगा, उसका काम खत्म हो गया, प्रोजेक्ट मिलना बंद, काम खत्म, जॉब सिक्योरिटी वहां पे है नहीं, वो बोलेंगे कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, और ऐसा कुछ बहाना बना देंगे कि आपका वर्क परफॉर्मेंस ऐसा। तो वहां जॉब सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, और आप मतलब 2-3 बड़ी कंपनी करियर के स्टार्टिंग में स्विच कर लोगे तो बड़ी सारी कंपनी में ऐसा ही होता है कि एक बार आने देते हैं, दूसरी बार वहां जाने नहीं देते, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि आपने तो मतलब स्टार्टिंग में सारी कंपनी को मतलब एक चक्कर लगा लिया है, तो आप वहां तो जा नहीं सकते हो। अब आपको या तो छोटी कंपनी में आना पड़ेगा या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना पड़ेगा, ये दो ही ऑप्शन आपके पास बसे हुए हैं। तो यही एक कारण था कि मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया। मेरे कलीग्स और मेरे फ्रेंड बोल रहे कि तुम्हारा पैकेज मिनिमम 15-20 LPA हो जाए तब तुम यहाँ आना, तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप उसमें 10% का हाइक हो तो आप देखो कि कितना हाइक होता है। तो या यही रीजन था। तो बाद में आपको जॉब स्विच नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें 10% हाइक भी बहुत होता है आपके 20 LPA सैलरी है तो, और वहां पे जॉब सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, तो आप आराम से सबको और आपकी पोस्ट सीनियर वाली होगी तो बिंदास से हुकुम चला के पैसे बना सकते हो। तो यही रीजन था कि अभी ज्वाइन नहीं किया है, अभी उसको साइड में छोड़ा है, बट बहुत ज्यादा टाइम दूर नहीं रहने वाले मतलब 5 ईयर के बाद हम फिर से वहां जाएंगे, अप्लाई करेंगे, क्रैक कर लेंगे, वो तो गया हमारा मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस है। तो यही बात थी गाइस। अब आप बताओ कि आपको बात कैसी लगी, आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे।